अगर आपका कोई दोस्त यूट्यूबर है या आप खुद एक यूट्यूबर हैं और उनको अपना टाइम बचाना है, क्योंकि देखें अगर कोई भी बंदा यूट्यूब पे वीडियो डालता है तो उसको सबसे ज़्यादा जो मुश्किल चीज़ लगती है ना वो होती है एक टैग्स और डिस्क्रिप्शन। ये जो दो चीज़ें होती है ना, मतलब कि जो फिल करते हुए बंदे को एक तप चढ़ती है, मुझे खुद को चढ़ती है। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही ज़्यादा टाइम बचाने वाला हूँ और आपको मतलब कि ऐसे समझें सिर्फ वो थोड़ा सा आपने उधर टाइम देना, उसके बाद आप बिल्कुल फ्री हो जाओगे। आपको एक चीज़ जो मैं समझाने वाला हूँ वो ऐसे कि जिस मतलब कभी भी अगर आप कोई वीडियो अपलोड करते हो तो उसमें कस्टमाइज आपका डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी आपका वहाँ पर वो होगा। मतलब ये है कि आप कुछ ऐसा डिस्क्रिप्शन कर दीजिए उसमें कि आपके फेसबुक का लिंक, आपकी किसी भी चीज़ का, आपके सोशल मीडिया का लिंक हो गया या आपकी किसी भी वेबसाइट का लिंक हो गया, ये आपने सिर्फ वहाँ पर जाके एक मरतबा सेट करना है। और उसके बाद ये होगा कि आप जब कभी भी कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो वहाँ पर वो ऑलरेडी आपका डिस्क्रिप्शन होगा। अगर आप कुछ टैग सेट करना चाहते हैं या यहाँ तक कि आप अगर कोई टाइटल सिलेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी वहाँ पर ऑलरेडी होगा। ये है कि आपको आपका टाइम बहुत सारा बचेगा, क्योंकि डिस्क्रिप्शन फिल करते हुए बंदे को लिखते हुए बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है। या तो कुछ लोग ऐसा करते हैं कॉपी पेस्ट करते थे, किसी किसी के पास लिखा हुआ होता है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि उनको अपडेट वगैरह भी करना होता है। और कभी कभी ये होता है कि कोई मोबाइल पर अपलोड कर रहा होता है तो ये होता है कि उनको टाइम बचाने के लिए कोई बंदा जाए उधर से कॉपी करे फिर दूसरी वीडियो से पेस्ट करे, ये वो सारी चीज़ें, इन सारे झंझट से आपको बचाने वाला हूँ। तो वीडियो के एंड तक देखिएगा। मेरे ख्याल से मैं आपको सही समझा नहीं पाया हूँ, लेकिन ये जब स्टार्ट होगा तो आप खुद ही समझ जाएंगे। तो मेरा नाम है जीशान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक्निकल सी। बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। अच्छा, तो जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि मैं अभी सीधा अपने जो है ना चैनल पे आ गया हूँ, तो यहाँ पर आपने मैनेज वीडियोस में जाना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर तमाम सारे डिटेल्स आ जाएंगी और फिर आपने क्या करना है कि नीचे आपको एक सेटिंग का निशान नज़र आ रहा है, मतलब सेटिंग लिखा हुआ आएगा, आपने सिंपली उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, बहुत सारे ऑप्शन आपको नज़र आ रहे होंगे, जर्नल, चैनल और अपलोड डिफ़ॉल्ट्स। ये जो चीज़ है ना, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। ये सारा फंडा है, जैसे आप इस पर चले जाएंगे तो यहाँ पर आपने देखे, आपको देखने को मिला कि बेसिक इन्फॉर्मेशन, ये वो चीज़ है। अगर आप यहाँ पर एक बार टाइप कर दोगे तो आप जो भी वीडियो अपलोड कर रहे होगे तो उसमें ऑटोमेटिक वो चीज़ फिल हो जाएगी। यहाँ पर मैंने टाइटल कोई भी नहीं रखा फिलहाल, क्योंकि मैं जो है हर बार मेरे वीडियो का टाइटल चेंज होता है। लेकिन हाँ, अगर आप इसमें कुछ चीज़ें ऐसी रखना चाहते हैं, किसी को ऐड करना चाहते हैं, कोई मतलब टाइटल में कोई टैग रखना चाहते हैं, अपने चैनल का नाम लगाना चाहते हैं या अपना ज़ाती नाम, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने पर्सनल कोई नाम से चैनल रखता है या किसी और नाम से चैनल रखता है, तो उसमें ये कि वो अपना नाम लाजमी लगाता है। लेकिन मैं आपको पॉइंट की बात समझूँ, ये है सिंपली डिस्क्रिप्शन, आप देख रहे होंगे, ठीक हो गया। अब यहाँ पर जो मेरे वो सिर्फ डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट की है जो मुझे ज़रूरी लगानी होती है। ये सिर्फ एज अ टेस्ट के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि अभी मुझे अपनी डिस्क्रिप्शन और अपग्रेड करनी है, उसमें और भी सारी चीज़ें मुझे अपडेट करनी है उसमें, तो सिंपली मैं आपको चेक करवाने के लिए सिर्फ एक चीज़ दिखा रहा हूँ, ठीक हो गया। अब यहाँ पर जो है ये सारी चीज़ें एक बार मतलब पेस्ट कर देगा तो उसके बाद जो भी चीज़ें आपकी ऑटोमेटिक उसमें फिल हो जाएगी। और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये आपका टैग्स, इसका क्या मकसद है? अब आप सोच रहे हो यार, हम जो भी वीडियोस अपलोड करते हैं तो उनका हर किसी का एक टॉपिक अलग होता है, तो हम उसके हिसाब से टैग्स लगाते हैं। लेकिन आप में से कुछ यूट्यूबर, मतलब 99% यूट्यूबर ये होते हैं जिनके कुछ जो टैग्स होते हैं वो उनकी सारी वीडियोज़ में सेम होते हैं। मैं आपको समझाता हूँ कैसे, क्योंकि टैग में अगर आप अपने चैनल का नाम लगा रहे हैं ना, जैसे कि अभी मेरे चैनल का नाम है टेक्निकल सी, मेरे हर वीडियो में जब मेरे एक एक टैग टेक्निकल जी के नाम से आएगा या जी व्लॉग्स, ऐसे में तो कुछ मैं डालता जाऊँगा तो बंदा कोई भी अगर सर्च करेगा तो उसको ये वाली वीडियो उसके सामने आ जाएगी। तो इसलिए इसमें ये होता है कि अगर आप टैग्स वगैरह लगाओगे तो वो भी ऑटोमेटिक उसमें फिल हो जाएंगे। जैसे कि अभी यहाँ पर मैं फिलहाल एक बार लगा ही देता हूँ, ठीक हो गया। अब ये जो टैग्स हैं, ये जो भी चीज़ मैं लगा रहा हूँ यहाँ पर, तो जिस टाइम भी मैं अगर कोई वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो वहाँ पर ये सारे टैग्स ऑलरेडी होंगे। अब मैं इसको सिंपली यहाँ पर सेव कर रहा हूँ। ये ऐसी सेटिंग है, अगर कभी भी कहीं भी अगर मैं कोई वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो वहाँ पर ये ऑलरेडी आ जाएगी। मैं आपको एक टेस्ट करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि कोई सी भी वीडियो उठा के यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। मैं ये चीज़ें आपके सामने आ गई, ये है डिस्क्रिप्शन जो ऑटो फिल हो गया, ठीक हो गया। और उसके अलावा मैं आपको चल के टैग्स भी दिखाता हूँ। ये वही टैग्स हैं जो मैंने वहाँ पर लगाए थे और बाकी सारी चीज़ें आपके सामने हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर समझ में नहीं आए तो दोबारा वीडियो को देखें तो आप इंशाल्लाह समझ जाएंगे। तो शायद यार, उम्मीद करता हूँ कि आपके वीडियो समझ में आएगी, शायद मैंने कुछ बताने में कमी कर दी हो, लेकिन आप इतने समझदार मुझे लग रहे हो कि आप वीडियो समझ जाओगे। तो अगर वीडियो समझ में आई तो ओके का नीचे कमेंट कर दीजिए, अगर नहीं समझ में आई तो नीचे किसी भी हवाले से आप कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो आप किस चीज़ के लिए जानना चाहते हैं, मेरी जो प्रीवियस वीडियो उसमें मैंने ये बताया कि भैया आप किसी भी, आपने ब्लॉगर को देखा होगा,
कि वो जब भी कोई व्लॉग अपलोड करता है या उसके किसी पुराने व्लॉग पे आप चले जाते हो, उसका जो एंड स्क्रीन पे जो वीडियो आ रही होती है वो उसका लेटेस्ट वीडियो होती है। मैं आपको एक मिसाल देकर समझाता हूँ। जैसे कि मैंने कोई एक हफ्ते पहले वीडियो डाली और आज मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ, क्योंकि जो मैंने एक हफ्ते पहले जो वीडियो डाली होगी तो वहाँ पर मैंने जो एंड स्क्रीन लगाई होगी वो एक हफ्ते और एक दिन पहले की होगी, मतलब ये कोई 8 दिन पहले का वो एंड स्क्रीन उस पर लगा होगा, क्योंकि एंड स्क्रीन तब डलता है आपकी प्रीवियस जो वीडियोस होती हैं वो एंड स्क्रीन में जाके लगती है। अब मिसाल की बात है, जैसे कि मैं हफ्ते की वीडियो अपलोड करूँगा ना, तो वहाँ पर आपको उसके बाद वाली वीडियो कैसे दिखे, मतलब आज की जो मैं वीडियो अपलोड करता हूँ ये आपको हफ्ते वाले पहले वीडियो में कैसे दिखाई देगा, मतलब इनफैक्ट हफ्ते वाले में नहीं, आपकी जितनी भी प्रीवियस वीडियो उन सब में आपकी वो वीडियो आएगी जो आपने रिसेंटली अपलोड की होगी। पता नहीं क्यों मैं समझा नहीं पा रहा, लेकिन आप थोड़ा समझने की कोशिश करो। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपकी जो पुरानी वीडियोज है ना, उनका एंड स्क्रीन सिर्फ वही आ रहा होगा जो आपने रिसेंटली अपलोड की। जैसे कि मैं अभी अपलोड करूँगा तो मेरी आप पिछली वीडियो में जाएगी तो ये एंड स्क्रीन होगा, उससे पिछले में जाएगी तो एंड स्क्रीन ये वीडियो आ रही होगी। और ये कैसे करते हैं, बिल्कुल ईजी स्टेप है। कुछ लोग ये करते हैं हर वीडियो में जाके वहाँ पर जाके एडिट कर रहे होते हैं, लेकिन मैं आपको ईजी वे बताता हूँ कि आपकी सारी वीडियोज में ये जो है ना एंड स्क्रीन आ रही होगी, या आप अपनी तमाम वीडियोज पर जो भी वीडियो आप वायरल करना चाहते हैं, जिस पर चाहते हैं कि यार ये वीडियोज में मैंने मतलब इस वीडियो पर व्यूज़ लाना चाहता हूँ, तो वो वीडियो इससे रिलेटेड थी। अगर आपने नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा, वो लास्ट में से जाकर देख लीजिए। और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।